हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं उस राज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं संडे प्रॉपर्टीज मसाला में। संडे प्रॉपर्टीज मसाला में आप लोगों के लिए नया मसाला प्रॉपर्टीज लेके आया हूँ यहाँ पे, और कुछ ऐसे बातें होंगे जो आप लोगों को कुछ पता नहीं रहेगा, और मैं आपको उस पर टिप्स भी दिया जाएगा प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। कहीं पर भी आप प्रॉपर्टीज़ बुकिंग करते हैं या कहीं भी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, बाकी अदर्स जो अप्रूवल है, सिडको के अप्रूवल है, महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, और प्रोजेक्ट का हर एक प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो एंड तक देखिए, और वीडियो पे लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, शेयर करो। आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो बेल आइकन है वो भी प्रेस रखिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड्स बताऊंगा। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड इज द नई मुंबई। नई मुंबई के जो आज के डेट में ना, नई मुंबई, ठाणे, मुंबई एंड पुणे के हिसाब से, मतलब ये लोकेशन पे देखा जाएंगे, नई मुंबई का मार्केट है ना, सबसे बूम है यहाँ पे। मार्केट मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे, तो इसका जो एप्रिसिएशन है ना, इट इज़ अ वेरी ग्रोथ है यहाँ पे, बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहेगा यहाँ पे। आफ्टर 5 ईयर्स इट इज़ अ 50% ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, 50% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा इन नई मुंबई लोकेशन यहाँ पे। कौन से भी जगह पे आप प्रॉपर्टीज डालते हैं, अभी जो अंडर डेवलप लोकेशन है नई मुंबई का, जैसे आप पनवेल पकड़ लीजिए या फिर नई मुंबई साइड में, या इस तरफ पुष्पक नगर है या उलवे लोकेशन है, जिधर अंडर डेवलप है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ग्रोथ है ना बहुत अच्छा होगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। भले आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी लेके रहना भी है, वो भी सबसे अच्छा है यहाँ पे, या फ्लैट रहे या शॉप रहे या ऑफिस रहे, इसके वजह से ये रीजन कैसा है कि ये लोकेशन जो है, इट इज़ अ नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वजह से, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वजह से इट इज़ अ प्राइजिंग विल बी हाई, बहुत अच्छा प्राइजिंग रेट बढ़ेगा यहाँ पे। तो नई मुंबई में मैं धीरे धीरे ना कैप्चर करते जा रहा हूँ। वैसे तो पुष्पक नगर 100% मेरे हाथ में है, 100% A to Z पुष्पक नगर में। ऐसे 100% क्यों मैं बोला जा रहा हूँ, सबके सब डेवलपर मतलब छोटे से डेवलपर लेके बड़े डेवलपर तक मेरे पास प्राइसिंग रेट जो है ना, सब मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे। तो पुष्पक नगर का 100% मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पे, और 100% पूरा डिटेल्स मेरे पास है यहाँ पे। पनवेल लोकेशन में देखा जाएंगे तो इट इज़ अ 40% मेरे पास डिटेल्स है जो आपको पनवेल लोकेशन में देखना चाहते हैं, हाई राइज टावर, क्योंकि पनवेल लोकेशन ऐसा है वहाँ पे देखा जाएंगे तो कुछ पार्ट सिडको के अंडर है, कुछ पार्ट नैना के अंडर है, और कुछ पार्ट MSRDC के अंडर है यहाँ पे। तो ऐसे 3 अलग अलग लोकेशन पे वहाँ पे जो परमिशन है, जो यहाँ पे अप्रूवल मिलती है, वो अलग अलग लोकेशन पे रखे पनवेल लोकेशन में। नेक्स्ट आ जाता है जो आपको मैं जो ऑफिस, मतलब आपका जो ड्रीम रहता है ऑफिस में देख रहे हैं या हाई राइज टावर में ऑफिस देख रहे हैं, तो बहुत सारे अभी ऑफिस के बहुत है ना प्लानिंग आ गए। क्योंकि ऑफिस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो कैसा है कि ऑफिस इसलिए है कि एयरपोर्ट नियर बाय है, ओके। पुष्पक नगर में भी ऑफिस ओपन कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एंड सिडको टेंडर प्लॉट वाला भी आ रहा है, तो ऑफिस होने के वजह से बहुत सारी कंपनियां है ना ऑफिस नियर बाय एयरपोर्ट के पास रहेगी। तो जो इन्वेस्टर है या फिर ऑफिस देख रहे हैं लेने के लिए, तो आज ही की डेट में ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि एयरपोर्ट एक बार चालू हो जाएगा ना, इस इज़ अ प्राइजिंग रेट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। बाकी कनेक्टिविटी अटल सेतु है, साउथ मुंबई को कनेक्ट करिए, कोलाबा तरफ जा रहे हैं 20 मिनट के अंदर। दूसरा आपको कोस्टल रोड आ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया गया था, वो आ रहा है। तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आ रहा है, जो अटल सेतु टू डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे पुणे को टच कर रही है यहाँ पे, वो एक कनेक्टिविटी आ रहा है यहाँ पे। अपकमिंग में यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो लोकल तो है, इज इज़ अ CST टू पनवेल लोकल है। पनवेल जो स्टेशन है, इट इज़ अ हब होने वाला है,
चार चीज कनेक्टिविटी है, चार चीज मतलब एक तो मुंबई की तरफ चले गए, दूसरे आप वसई की तरफ चले गए, आप भिवंडी होके वसई की तरफ गए, तीसरा कर्जत की तरफ चले गए, आप कर्जत होके डायरेक्टली लोनावला निकल गए, और चौथा जो है आपको कोकन साइड में चले जाते हैं। तो ऐसे चार डिवीजन होने वाला है यहाँ पे। और पनवेल का देखा जाएंगे तो जो एक्सपांड हो रहा है, जो स्टेशन है, जो टर्मिनल्स बना रहे हैं, वो एक्सपांड हो रहा है यहाँ पे, तो उसके वजह से और कनेक्टिविटी चारों साइड से कनेक्टिविटी हो रही है। तो उसका एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का ये लोकेशन पे देख जाएंगे तो बहुत ग्रोथ होने वाला है यहाँ पे, एकदम बेस्ट है। सो अभी ये जो स्क्रीन पे ना नंबर है, नई मुंबई के जितने भी है प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे मैं कवर करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे अपडेट मिलते जाएगा और मैं आपको प्रॉपर्टी शेयर करते जाऊँगा यहाँ पे, हर जगह का, कौन से भी प्रॉपर्टीज कह रहे, कौन से भी चीज कह रहे, आपको हर एक पे जाए। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो में भी आपको शेयर किया गया था, प्लॉट जो है, जो 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया या 2 प्लॉट लो, 1 प्लॉट फ्री लो, प्लीज उसके अंदर मत जाइए यहाँ पे। उसका रीजन मेरे को पता है क्या है, मैं खुद ही बन के वहाँ पे कस्टमर बन के गया था, बहुत सारे विजिट किए एंड वहाँ पे लोकेशन भी देखा मैंने सब कुछ, वो सब चीज़ क्लियर नहीं है। आप उसमें चीज़ में मत जाइए क्योंकि इतना नियर बाय में कोई भी सस्ता प्लॉट नहीं देते हैं यहाँ पे, जिधर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे रेट बढ़ते जाएगा यहाँ पे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए, ये प्लॉट में मत जाइए। प्लॉट ऐसे जगह पे लीजिए जो क्लियर रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, वहाँ पे आप खुद का घर बना सकते हैं या फार्म हाउस बना सकते हैं, या कुछ आपका ज़मीन है, आपका ज़मीन है तो उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकूँ यहाँ पे, या फिर वेयर हाउसेस बनाऊँ, वो सब चीज़ परमिशन होना जरूरी है यहाँ पे, या बंगलो बनाओ आप, वो चीज़ सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो प्लॉट्स में मत जाइए, प्लॉट्स जो है मेरे पास वो क्लियर वाले प्लॉट्स है और तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली है यहाँ पे, सब जगह हर एक जगह कॉस्टली रहता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है सामने, हो रहा है यहाँ पे, तो रेट भी कॉस्ट बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे, तो नई मुंबई लोकेशन में पर्सनली आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिया है 9004509888, ये मेरा नंबर है। आप नई मुंबई की कुछ भी रहे, नई मुंबई, पुष्पक नगर, उलवे, बेलापुर, खारघर, तलोजा, पनवेल, नेरुल, ये लोकेशन पे आप देख रहे हैं बेलापुर, तो ये सराउंडिंग एरिया है ना, सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे एयरपोर्ट आने की वजह से प्रॉपर्टी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, इतना अच्छा ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा रेंटल बेसिस जो है, मैं आपको बता देता हूँ, रेंटल ऑफिस की जो है ना, जिधर ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका हुआ है, मतलब आप पकड़ लीजिए यहाँ से जूही नगर, नेरुल से लेके पनवेल के बीच में यहाँ पे रेंटल बेसिस बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डेवलप हो चुके हुए हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी है, लोकल है, नियर बाय स्टेशन है नियर बाय, तो रेंट अच्छा मिल रहा है। जहाँ पे अंडर डेवलप है वहाँ पे रेंट थोड़ा सा कम मिलेगा, एज ए कम्पेयर ऑफ द, मतलब उसका आधा मिलेगा इस तरफ, तो जिधर अंडर डेवलप है तो वहाँ पे आधा मिलेगा, उधर पूरा मिलेगा रेंट आपको यहाँ पे एज ए। तो रेंटल देखा जाएंगे तो पुष्पक नगर, उलवे, करंजड़े, ये रेंटल बेसिस थोड़ा बढ़ रहा नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट अंडर डेवलप है, जो कनेक्टिविटी है बाय रोड ही है यहाँ पे, लोकल प्लान नहीं है इस तरफ, सिर्फ उलवे की तरफ है लोकल प्लान, इसीलिए उसका थोड़ा रेंटल और बढ़ गया है यहाँ पे, देखा जाएगा तो इसमें। बाकी पुष्पक नगर तो अभी सब अंडर डेवलप है, करंजड़े वहाँ पे कनेक्टिविटी बसेस आती है, NMND बस आती है, बाकी लोकल प्लान ये नहीं है, बाय रोड है यहाँ पे, बाकी और शेयरिंग ऑटो आती है यहाँ पे। पनवेल रेंटल ज़्यादा है, अच्छा है क्योंकि इट इज़ अ कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, पनवेल स्टेशन हब है तो आजू बाजू के जो रेंटल बेसिस बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो एक प्लस पॉइंट है। पनवेल से डिस्टेंस 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वहाँ पे रेंटल बेसिस अभी फिलहाल कम है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ है यहाँ पे रेंटल बेसिस पे। बट आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट आपके लिए प्रॉपर्टी है यहाँ पे। सो आप नई मुंबई देख रहे हैं प्रॉपर्टी, आइए देखिए प्रॉपर्टी, मुझे पर्सनली कॉल करिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े डेवलपर है एटमोस्ट यहाँ पे, अभी मैं देखा जाएंगे तो इसके अंदर डेवलपर कम से कम 80 डेवलपर मेरे साथ आ चुके हुए हैं, 80 डेवलपर्स, इसमें छोटे से लेके बड़े तक अपने पास डेवलपर है यहाँ पे। जैसा आपका बजट है बताइए, आप मुझे कॉल करिए, वैसे मैं आपको अरेंज करके दूंगा यहाँ पे। एंड दूसरा लोकेशन, हम आपके थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा शांत चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस लंबा चाहिए, कम में भी चाहिए और गेटेड कम्युनिटी चाहिए, आवाज़ शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वी हैव टू कम अप द कनेक्टिविटी करजत एंड खोपोली। करजत खोपोली में ऐसे दो प्रोजेक्ट है वहाँ पे, इट इज़ अ पीसफुल हिल व्यू,
एकदम शांत, जिसको ज़्यादा करके शांत में जाना चाहिए रहता है, कुछ शोर शराबा नहीं रहना चाहिए, तो कर्जत एंड इट इज़ फॉर द खोपोली। कनेक्टिविटी सब है, लोकल भी है, यहाँ पे सिर्फ पनवेल से लोकल अभी स्टार्ट होगी यहाँ पे, एंड बाकी तो मुंबई सीएसटी से जो सेंट्रल लाइन से, तो वहाँ से तो कनेक्टिविटी खोपोली तक है। यहाँ पे पनवेल से देखा जाएंगे तो पर्सनली एनएमएनटी बसेस जाती है खोपोली, एंड कर्जत भी जाती है खोपोली के लिए। यहाँ पे बसेस कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा है, बाय रोड भी है, आपको ईजी पड़ता है यहाँ पे, और सबसे अच्छा है कि एक्सप्रेस हाईवे, तो एक्सप्रेस हाईवे से और ईजी पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये आपको शांत, और जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है सेकेंड होम, वैसे वहाँ पे देखा जाएगा अभी करंटली सेकंड होम है, हो रहा है, बट आगे जाके जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट इज़ अ फर्स्ट होम हो जाएगा वहाँ पे। तो मेरे तरफ से वो एक प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास जो कम बजट्स में देखा जाएगा कि तो 17 लाख, 18 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख के, मतलब 40 लाख के अंदर 1 RK, 1 BHK एंड 2 BHK आ जाते हैं यहाँ पे, हर सर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे, इट इज़ अ सेकेंड होम बोला जाता है यहाँ पे। हम आ जाते हैं फिर थोड़ा सा उरन में। उरन में मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर है, बट वो ग्राम पंचायत में है एंड डेवलपर है, उसका ही लैंड है, वो खुद बना रहा है यहाँ पे, एंड ये डेवलपर है पुष्पक नगर के भी है, एंड रीडेवलपमेंट में नेरुल में भी लेने वाले हैं यहाँ पे। तो बाकी के उनका एक दो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हुए पार्टनरशिप में, एंड जिसको रो हाउसेस चाहिए रहता है, रो हाउसेस थोड़ा सा मतलब उरन में पकड़ लीजिए, ज़्यादा करके मैं उरन में बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे रो हाउसेस का काम चालू है यहाँ पे, एंड वो देखा जाएंगे 2 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है और उसके अंदर कुछ समथिंग 15 रो हाउस बचे हुए हैं, बट वो ग्राम पंचायत, मैंने आज ही डॉक्यूमेंट लिया और पूरा क्लियर किया, देखा मैंने उसमें, तो ग्राम पंचायत में आपको CCB मिल रहा है उसका, G+1 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पे, एंड इसके अंदर ऊपर टेरेस भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऊपर टेरेस भी इसमें है, एंड बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है, खुद का प्लॉट है 712 भी उनका ही नाम पे है, एंड बाकी 712 पे देखा जाएंगे तो और 5-6 जन का नाम है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हैज ए CC जो लैंड ओनर है उसके नाम पे ही है और खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और खुद ही बिल्डर है यहाँ पे। तो इसके अंदर अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ग्राम पंचायत है बट रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। इसमें ये है कि NA नहीं है, ये लैंड पे NA नहीं किया हुआ है, NA रहता तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता था, तो अभी कैसे इनका खुद का है, खुद ही लैंड ओनर है, खुद बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए रेट प्राइसिंग कम है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इनका 2200 कुछ स्क्वायर फीट के आसपास है, 55 लाख है 2 BHK का, 2 BHK रो हाउस ज़्यादा है, 55 लाख है इसमें, प्लस टैक्सेस आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत निगोशिएट उसके अंदर अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो ये ग्राम पंचायत, बट डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, टाइटल सर्टिफिकेट क्लियर है इसके अंदर, एंड इसमें लोन करने जाएंगे तो आपको 80% to 90% लोन कर सकते हैं, बट इज द NBFC बैंक, NBFC बैंक मतलब बंधन बैंक है या आधार हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य बिरला फाइनेंस है, इसमें आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो देखा जाएंगे लोकेशन है, एकदम व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इट इज़ द सी व्यू आ जाता है, आजू बाजू पूरा सी व्यू है, बट जो लोकेशन है वो ऐसा नहीं कि कोस्टल जोन है या खाड़ी का जगह है, ऐसा नहीं है, वो पूरा है ना जगह जो लैंड पार्सल है ना, तो घास के जैसे वो मतलब गवत बोलते हैं, तो वो लैंड जो रहता है, प्लॉट रहता है, वो क्लियर रहता है, उसमें 712 में पूरा मेंशन रखा हुआ है, क्योंकि मैं भी लेटेस्ट 712 निकाला तो उसके अंदर सेम ही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट चेंज होता है, कोस्टल जोन डिक्लेयर कर देता है, बट वो कोस्टल जोन में नहीं आ रहा है, बट इट इज़ अ वेरी क्लियर है। आपको इंटरेस्ट रहेगा तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो अभी नई मुंबई इसमें कुछ कमर्शियल ऑफिस शॉप भी आ रहे हैं, प्री लॉन्च में है, एक ये है पाम बीच में आप आ रहे हैं तो पाम बीच में मेरे पास रीडेवलपमेंट वाला आ रहा है यहाँ पे, इसमें अभी 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, रीडेवलपमेंट इट इज़ अ 17-18 स्टोरेज का टावर है, वैसे 12,500-12,000 का रेट रखा हुआ है पर स्क्वायर फीट रेगुलर का, एंड डाउन पेमेंट पे 9,000 का रेट फाइनल दे रहे हैं यहाँ पे, फुल डाउन पेमेंट रहेगा, ओनली 2 BHK, एंड इज द ये जो फेसिंग आएगा पाम बीच फेसिंग आएगा आपको सी फेसिंग आएगा यहाँ पे, नेरुल में एकदम प्राइम लोकेशन पे, एवं पाम बीच नियर बाय यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे नए नए प्रॉपर्टीज़ आए हुए हैं। सो ये लोकेशन पे नई मुंबई कहीं भी देख रहे तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दे उस पर कॉल करिए साइट विजिट के लिए यहाँ पे। अभी हम आ जाते हैं पुणे में, पुणे में देखा जाएंगे तो वैसे मेरे पास जो मैंने आपको 2 वीडियो शेयर किया गया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है वीडियो का ऑलरेडी। वहाँ पे जो शिवाजी नगर लोकेशन, इट इज़ अ नियर बाई स्टेशन है, पुणे स्टेशन से इट इज़ अ 1.6 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको पुणे रेलवे स्टेशन मिल रहा है,
एंड दूसरा ये मेट्रो स्टेशन है जो शिवाजी मेट्रो, शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था ओनली 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, लग्जरियस है। तो आज के डेट में पुणे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक है लोकेशन है कोथरूड में है, वो भी मैंने आपको शेयर किया गया है, इट इज़ अ प्राइम लोकेशन है, मेट्रो नियर बाय है, एंड वो लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका बजट कम से कम भी 1.5 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए आपका, 1.5 करोड़ से लेके आपको 8 करोड़ तक प्रॉपर्टी है यहाँ पे। जो इसके अंदर देखा जाएंगे तो आपको रेंटल लेना बहुत बेसिस है, क्योंकि मैंने रेंटल का ना वहाँ पे ज़्यादा करके ये किया कि सर्वे किया मैंने, रेंटल निकालने का कोशिश किया कि ये लोकेशन में कोटू रोड पकड़ लीजिए या फिर अपना शिवाजी नगर है, दूसरा ऑप्शन है सियागढ़ रोड वो साइड में, मैंने सब जगह देखा रेंटल बेसिस पे ना रेंटल बहुत ज़्यादा मिला, शिवाजी नगर एंड कोटू रोड में बहुत रेंटल चल रहा है, 2 BHK कम से कम है ना 35,000 से लेके 40,000 के बीच में रेंटल चल रहा है यहाँ पे, मतलब रेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, उससे ज़्यादा भी है। 3 BHK में लग्जरियस रेट है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 50 से 55-60 हज़ार भी अलग अलग रेंटल चल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो रेंटल बेसिस बहुत अच्छा इनकम है। तो इन्वेस्टमेंट करना है पुणे लोकेशन पे, मेरे पास एक ही डेवलपर है उसके ऊपर ही मैं हम लोग फोकस कर रहे हैं एंड लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पुणे में कर रहे हैं तो रेंटल बेसिस आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिटी के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी हो जाता है या थाने सिटी हो जाता है, जैसे ये पुणे सिटी में, मैं पुणे के बाहर नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वाकड़ हिंजेवाड़ी इधर नहीं, मैं पुणे सिटी के अंदर बात कर रहा हूँ, ये सिटी के अंदर है और बहुत अच्छा है ये आपको प्रॉपर्टी है, एकदम लैविश है, लग्जोरियस प्रॉपर्टी दिया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने आपको पोस्ट भी किया है। तो आज के डेट में पुणे में इन्वेस्टमेंट करना है, ये स्क्रीन पर जो नंबर है ना इस पर कॉल करिए और आपको डिटेल्स बता देंगे, आपको समझा देंगे कैसा इन्वेस्टमेंट है, क्या है, वो सब चीज़ क्लियर है। वैसे मेरा भी नंबर है, मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं, उसका चिंता नहीं है। थाने लोकेशन में, थाने लोकेशन में आपको तो पता है थाने अभी ऐसा जगह हो गया है ट्रैफिक, बहुत लोग बोलते हैं ट्रैफिक, मैं भी फंसा ट्रैफिक में, ट्रैफिक ऐसा हो गया ना बाप रे, एक गाड़ी पलटी हुई दो दिन, एक ट्रक पलटी हुई, एक बस चढ़ गया ब्रिज के ऊपर, क्या चल रहा है घोड़बंदर रोड पे पता नहीं। थाने लोकेशन का जो पूरा है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, नासिक हाईवे, घोड़बंदर रोड पूरी ट्रैफिक से भर गई थी, इतनी ट्रैफिक हो गई थी, हम दो दो घंटा एक एक घंटे में अटक गए थे, ऐसे हो गए थे हालत खुद घर पे आने के लिए, मतलब थाना से, थाना मतलब माझीवाड़ा से लेके इधर घर तक एक घंटा हो गया था। तो ट्रैफिक इसके वजह से हो रहा है कि इट इज़ अ बैड न्यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स जो यहाँ से जा रहे हैं ना घोड़बंदर रोड पे, कहीं ना कहीं गाड़ी बंद हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, कहीं पलटी हो जा रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होने लगे हैं और उसके वजह से ट्रैफिक हो रही है। वैसे ट्रैफिक का है ही नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम, बट ये हैवी व्हीकल्स होने की वजह से बहुत सारे ट्रैफिक हो रही है। अभी यहाँ पे प्राइम लोकेशन थाने सिटी, इट इज़ द सेंटर ऑफ द मुंबई। सेंटर क्यों है कि थाने में मेरे, मुझे भी थाने ही पसंद है, थाने में ही रहने को पसंद है, क्यों, यहाँ से मैं हर चार दिशा में जा सकता हूँ, चार दिशा मतलब सबसे पहले मैं मुंबई जा सकता हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, दूसरा वेस्टर्न में चले गया मैं, वेस्टर्न में मुंबई चले गया, तीसरा जो मैं गुजरात की तरफ चले गया, चौथा जो मैं नासिक हाईवे पर चला गया, पाँचवा जो आ जाता है नई मुंबई पुणे की तरफ निकल गया यहाँ पे। तो इट इज़ द थाने इज़ द सेंटर यहाँ पे। अभी आप नई मुंबई में रहें या फिर वेस्टर्न में रहे तो घूम के यहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर आपको थाना होके ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए थाने लोग बहुत पसंद करते हैं और यहाँ पे ब्रांड डेवलपर आ चुके हुए, जैसे फॉर एग्जांपल पोखरण नंबर ए जो 2 पे प्रोजेक्ट चालू है उसका आ रहा है अपकमिंग, कोलशेद पे चल रहा है ओवर आई रियल्टीज का यहाँ पे रिन्यूअल है, इट इज़ अ एंड कल्पतरू है, टाटा हाउसिंग इज़ अ सिरेन, इट इज़ फॉर रौनक इसके अंदर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और बहुत सारे ब्रांड डेवलपर है, लोधा है एंड इट इज़ अ रुस्तम जी है यहाँ पे, रुस्तम जी का प्रोजेक्ट बहुत सारे ऐसे अपकमिंग आ रहे हैं, चल रहे हैं उसके यहाँ पे माझीवाड़ा लोकेशन पे, शेड डेवलपर अश्विन शेड डेवलपर्स के हैं यहाँ पे, एंड बाकी ऐसे प्रोजेक्ट देखा जाएंगे तो अलग अलग डेवलपर के भी प्रोजेक्ट बहुत सारे नए हैं यहाँ पे, जैसे व्यांग हैं, कम बजट में चाहिए तो घोड़बंदर रोड पर आ जाइए, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया गया था कि प्रोजेक्ट वैसे बहुत सारे हैं अपने पास अवेलेबल थाने में, इट इज़ मेरे पास जो डेवलपर्स है ना, हमारी जो टीम काम कर रही है थाने लोकेशन में, इट इज़ अ 250 डेवलपर्स है, 250 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और हर एक डेवलपर के साथ हमारे सेल्स मार्केटिंग का काम चालू है यहाँ पे, हर एक डेवलपर के साथ, हर एक प्रोजेक्ट का मुझे पता है डिटेल्स यहाँ पे और मेरी टीम को पता है। तो ऐसे देखा जाएंगे तो
विजिट करना है, देखना है प्रॉपर्टी जैसा बजट में आपको चाहिए, थाने सिटी में मुलुंड, इट इज अ फॉर थाने सिटी एंड माजीवाड़ा लोकेशन, कापुरवाड़ी एंड घोटबंदर रोड। घोटबंदर रोड लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया गया था कि जो सिटी एंड नहीं होती है, सिटी वहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो सिटी स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट होना एंड होना वहाँ से, और बाकी पूरे थाने सिटी में और मुलुंड लोकेशन में ये प्रॉपर्टी ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है अपने पास अवेलेबल। बजट लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है, बजट आप लेके चल रहे तो कम से कम आपको थाने सिटी घोटबंदर रोड से भी मैं पकड़ूंगा, कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 45 लाख इन हैंड रखना पड़ेगा। यहाँ से प्राइसिंग स्टार्टिंग है, यहाँ पे 45 लाख से लेके आप 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक है। 20 करोड़ मतलब इट इज अ बंगलो, 20 करोड़ का भी बंगलो है यहाँ पे मानपाड़ा में, बंगलो वो भी 20 करोड़ का, वो भी एक लग्जरियस में आ रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे ऐसे है 45, इट इज अ 5 प्राइसिंग 45 to 20 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट है। थाने में डालना चाहते तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है कॉल करिए बिंदास यहाँ पे, और आपको ये विजिट कराएंगे और दिखाएंगे प्रॉपर्टी, और आपको एकदम पर्सनली सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पे। ये एकदम बेस्ट प्रॉपर्टीज आपके लिए थाने लोकेशन में आए। अभी जिन लोगों को थाने नियर बाई, थाने नियर बाई चाहिए एंड बजट हाई है, 45 भी अफोर्ड नहीं हो रहा है मेरे पास, तो आ जाइए। नियर बाय क्या है, भिवंडी लोकेशन की बात करते हैं। भिवंडी लोकेशन इट इज़ अ, अभी भिवंडी लोकेशन में लोग सोचते हैं कि भिवंडी लोकेशन ऐसा जगह है क्राउडेड, जो क्राउड लोगों का थिंकिंग अलग है, भिवंडी बोल दिया तो अलग ही है, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट इट इज़ अ 80% है ना लोकल गांव वाले हैं यहाँ पे, 80% भिवंडी में यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसा थिंकिंग मत सोचिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको समझना है वो समझ जाते हैं, बट कैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे भिवंडी बोल दिया तो अरे यार भिवंडी है, नहीं यार उधर नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, ऐसा ऐसा है, ये है वो है, तो ऐसा मत सोचिए। यहाँ पे भिवंडी में 80% इट इज़ द कोली गाँव वाले जो है वो रहते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखा जाएंगे डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये MMRDA के अंडर आ चुका हुआ है, मतलब गांव जो है ना, जैसे कशीली पकड़ लीजिए, कालेर है या फिर रंजोली गांव है, बहुत सारे कोन गांव है, बाप गांव है, ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जो इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये सब MMRDA के अंडर आ जाता है प्रोजेक्ट पूरा, एंड MMRDA पासिंग देती है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे ग्राम पंचायत में भी बनते हैं यहाँ पे, तो जिनका बजट नहीं रहता है तो लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्लियर करके ग्राम पंचायत में जाते हैं, इट इज़ अ 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख के अंदर प्रॉपर्टीज आ जाता है, बट क्लियर डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ G+2, G+3, G+4 के डॉक्यूमेंट सब क्लियर रहते हैं यहाँ पे। एंड बाकी जो MMRDA रेरा जो आ जाती है इसके अंदर, इट इज़ अ स्टोरेज टावर, 7 स्टोरेज है या 14 स्टोरेज है, 18 स्टोरेज है, इसमें आ जाते हैं। तो लोकल डेवलपर के जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हैज़ ए कंपेयर ब्रांड के हिसाब से कम प्राइस में मिलता है आपको यहाँ पे। तो अभी डेवलपर जो है ब्रांड में दोस्ती है, इट इज़ अ कालेर में फेमस है, जो नियर बाय थाने के पास है, नियर बाय। अभी आपका बजट यहाँ पे सेम कारपेट दोस्ती में 55 लाख में मिल रहा है बालकुम में, और वही सेम कारपेट आपको कालेर में वहाँ पे 35 लाख में मिल रहा है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 लाख का ये फ़र्क है यहाँ पे। वहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ का डेवलपमेंट में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका है थाना सिटी, और वहाँ पे देखा जाएगा तो MMRDA है यहाँ पे। सो ये डिफरेंस आता है, दोस्ती प्रोजेक्ट है। हम फिर आगे की तरफ आ जाएंगे, भिवंडी के एरिया अंजूर पाटा ये लोकेशन में, तो पहले से जो डेवलपर वहाँ पे भिवंडी में काम करते हैं तो उनके प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी तो आपको पता है, मेट्रो अपकमिंग आ रही है, एंड भिवंडी रेलवे स्टेशन है नियर बाय यहाँ पे, लोकल प्लानिंग फीचर है पनवेल टू वसई। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि बांद्रा से वसई होके भिवंडी स्टॉप होगी और वो जाएगी मडगांव गोवा, वो भी आ गया, हफ्ते में 2 दिन चलेगी यहाँ पे, बुधवार और शुक्रवार का रखा हुआ है। तो भिवंडी इट इज़ आप डायरेक्टली गोवा तरफ जा सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेन आ रही है, अवेलेबल है, बुधवार और शुक्रवार के दिन है यहाँ पे, सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे बांद्रा टर्मिनेशन से निकलती है भिवंडी आते आते, आप इस पर देख सकते हैं जो अपना एम इंडिकेटर है उसके ऊपर आपको लिस्ट मिल जाती है यहाँ पे डेट मतलब और टाइमिंग, तो वो एक कनेक्टिव है। मेट्रो तो लाइन आ रही है वहाँ पे। फिर हम इस तरफ आ जाते हैं, जो टाटा है, गोदरेज है, महिंद्रा है यहाँ पे, अरियंत है,
और बाकी लोकल सब डेवलपर रखे हुए हैं। और वहाँ पे माड़ा का भी प्रोजेक्ट चालू है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया थे जा रहा हूँ, माड़ा का प्रोजेक्ट है। फिर हम कोनगांव में आ जाते हैं यहाँ पे इस तरफ, एंड इस ये लोकेशन पे देखा जाएंगे तो ये ब्रांड एकदम डेवलपर है। अभी जो टाटा का जो हाउसिंग है वहाँ पे, जो टाटा आमंत्र है वहाँ पे, बाकी डेवलपर्स के रेडी टू मूव में फ्लैट है ना, आपको 65-70 लाख में 2 BHK मिल रहा है यहाँ पे। और बाकी के जो, वो भी कारपेट बड़े, बाकी के जो डेवलपर है कारपेट छोटा है और सेम प्राइसिंग है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है, एंड यहाँ पे कोनगांव में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं MMRDA के ही पासिंग है, MMRDA एंड रेरा। वहाँ के तो ग्राम पंचायत के तो मैं सजेशन ही करूँगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के बहुत सारे है कि डॉक्यूमेंट्स देखना और क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, हमको लीगल के लिए पूरा क्लियरेशन करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये प्राइसिंग रेट सब अलग अलग रखे हुए हैं यहाँ पे, एंड आपको वो लोकेशन देख रहे हैं कोनगांव या भिवंडी सराउंडिंग एरिया में पूरा कसेली कालेर भिवंडी सिटी, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए, और आपको वो पूरी अच्छे से डिटेल्स समझा देंगे यहाँ पे। हमें KDMC मार्केट, बाबा KDMC मार्केट बहुत ज़्यादा ना टफ चल रहा है, ऐसा फाइटिंग चल रही है। एक KDMC मार्केट यहाँ पे, मतलब जो कल्याण सील रोड है वहाँ पे MMRDA की फाइटिंग चल रही है, एंड यहाँ पे देखा जाएंगे तो KDMC के जो अप्रूवल है जो कल्याण डोंबली महानगर पालिका, उसमें फाइटिंग चल रही, फाइटिंग मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज की फाइटिंग चल रही है। यहाँ पे रेट कम है वहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइसिंग कम है वहाँ पे रेट ज़्यादा है, बहुत ऐसे कंपेयर हो रहे हैं यहाँ पे। लोधा जब भी वहाँ पे आया था पलावा सिटी में, प्राइसिंग रेट इतना बढ़ा दिया, आज के डेट में एक नया टावर लॉन्च हुआ मतलब 60 लाख रुपए में 2 BHK बाबा, और उस टाइम दे रहा था 2 BHK बाबू, इट इज 70 लाख 75 लाख तो जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर KDMC में आ चुके हुए हैं, जो मैं आपको यहाँ से मुंब्रा से बताता हूँ, मुंब्रा जो शील रोड है, शील फाटा से लेके कल्याण तक आ जाइए शाड़ तक, ये पूरे मार्केट है ना, ये मार्केट में पूरा ना अफरा तफरी मचे हुए है प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। जो बदलापुर में जाने वाले थे बजट के हिसाब से, बदलापुर में तो बजट में मिल जाता है, बट बजट अंबरनाथ बदलापुर जाना था, ये सब यहाँ पे भर गए शील रोड पे पूरा। क्यों? इट इज़ अ, मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखिए रिसेंटली है ना मेट्रो का काम चालू है, ये पूरा मेट्रो का काम यहाँ से अपना मानपाड़ा के पहले एक स्टॉप है, उसके पहले डोंबली से है मानपाड़ा, ये मेट्रो का लाइन चालू हो चुका हुआ है जो आपको मेट्रो 5 को कनेक्ट करता है कल्याण APNC के, यही अभी मेट्रो का काम यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो चुका हुआ है यहाँ पे। तो ये मेट्रो का लाइन अपडेटेड अभी चल रहा है, वहाँ पे काम चालू हो चुका हुआ है, तो वो मेट्रो लाइन होने की वजह से ना प्राइसिंग रेट है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना बढ़ते जा रहा है। अभी बहुत सारे वैसे डेवलपर है, रौनक के वहाँ पे, एंड अभी हावरे का है यहाँ पे मुमरा सिटी में, शील पे शील फाटे पे आ जाता है, यहाँ पे दोस्ती का है, दोस्ती नॉर्थ है वहाँ पे, फिर पैराडाइज है, रुनवल है, रुनवल के बहुत बड़ा लैंड पार्सल लेके रखा माई सिटी रुनवल माई गार्डन, फिर लोधा का बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं यहाँ पे, और बाकी इट इज आमंत्रण करके एक डेवलपर है, वो भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कल्याण तक आते हैं तो कल्याण का भी बिरला का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कल्याण मेन सिटी में है यहाँ पे, कुछ ऐसे डेवलपर कल्याण में है, रीडेवलपमेंट में भी जा रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है ना स्लो काम चालू है कल्याण में, क्योंकि कल्याण में ऐसा है कि वेटिंग कर रहे हैं फॉर द IT हब के लिए, IT हब आने वाला है फ्यूचर में, वहाँ पे प्लानिंग ऐसा चल रहा है, एज अ गवर्नमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है कि उधर IT हब का प्लानिंग चालू है यहाँ पे। तो क्या है कि बाकी के जो डेवलपर सिटी में कैसे है कि बहुत सारे स्लो डाउन हो गए हैं, क्योंकि बाकी आगे जाके ना प्रॉपर्टी का रेट्स है ना बहुत बढ़ेंगे यहाँ पे। अभी बिरला का है, बिरला का इट इज़ अ वेरी कॉस्टली, 1.5 करोड़ जा रहा है इसमें, 1.5 करोड़ है, और इट इज़ अ लैविश है, लग्जरियस है, 1.5 करोड़ 2 BHK से स्टार्टिंग है, स्टेशन के पास ही है, इट इज़ अ शार्ड स्टेशन नियर बाय आ जाता है शार्ड में, और पैराडाइज के रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं वहाँ पे, मैंने पर्सनली वीडियो शेयर किया गया है कि पैराडाइज के वहाँ पे इट इज़ अ 1.40 करोड़ से स्टार्टिंग है, 1.40 करोड़ से लेके इट इज़ अ 2, 3 एंड 4 BHK लैविश एकदम, इट इज़ अ फेज 1 कम्प्लीट हुआ है विद OC के साथ, रेडी टू मूव फ्लैट है एकदम, वो भी एकदम है शार्ड स्टेशन से, इट इज़ अ वॉकेबल, इज ऑफ 3 to 5 minutes मार्ग में। तो KDMC मार्केट देखा जाएगा ना प्रॉपर्टीज के ना बहुत अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, बट हैज ए ग्रोथ देखा जाएगा तो वैसे ग्रोथ वहाँ पे मुझे मेट्रो होने के बाद ही लग रहा है यहाँ पे। बाकी लोकल से देखा जाएगा तो डिस्टेंस जो है स्टेशन है ना बहुत लंबा पड़ जाता है, मेट्रो कनेक्ट होएगा तो थोड़ा सा प्राइसिंग रेट बढ़ेगा वहाँ पे। तो आगे जाके वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट मॉल आ रहे हैं या 5-star होटल आ रहे हैं, आपको पता है पैराडाइज वहाँ पे 5-star होटल का भी प्लानिंग कर दिया है साई वर्ल्ड ड्रीम में,
वो भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है वहाँ पे, मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ इनका, पैराडाइज का। सो ये सब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो बेस्ट है। KDMC में मार्केट भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, और इसके अंदर देखा जाएंगे तो वैसे प्रॉपर्टीज जितने भी हैं, एक KDMC महानगर पालिका कुछ है प्रोजेक्ट अप्रूव है, और कुछ प्रोजेक्ट है MMRDA में अप्रूव है यहाँ पे। तो ऐसे ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड हम आ जाते हैं ज़रा वेस्टर्न लाइन में। वेस्टर्न लाइन में आपको कम बजट है, सबसे कम बजट है तो पालघर आ जाइए, बोईसर आ जाइए, ये दोनों कम है। बोईसर पालघर ऐसा है क्योंकि वो सिडको के अंडर है, वहाँ पे उधर डेवलपमेंट है ना, सिडको का डेवलपमेंट है। पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है जितना आ रहा है ना, बोईसर है, पालघर का जितने भी पालघर डिस्ट्रिक्ट है, सिडको के अंडर डेवलपमेंट चले गया है यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे थर्ड एयरपोर्ट आने वाला है, थर्ड एयरपोर्ट। जैसे नई मुंबई का एयरपोर्ट ख़त्म हुआ ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर पूरा रेडी होके तैयार होके डोमेस्टिक इंटरनेशनल चालू हो गए ना, तो यहाँ तो थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड कार्गो एयरपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो सपाले में आ रहा है। लैंड एक्विजिशन चालू हो गया यहाँ पे, तो आगे जाके फ्यूचर में बहुत है। सपाले में इन्वेस्टमेंट करिए, पालघर में इन्वेस्टमेंट करिए, या बोईसर में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे पालघर एंड बोईसर में मेरे पास तीन ऐसे प्रोजेक्ट है जो ब्रांड है, अच्छे है, एंड बाकी जो प्रोजेक्ट है टाटा के थे वो तो पूरा सोल्ड आउट हो गए, बिक गए। अभी तो फिलहाल सेकेंड होम के लिए जा रहे हैं, बाद में आगे जाके फर्स्ट होम के लिए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं वसई में। वसई का ऐसा है ना, यहाँ पे वसई में देखा जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सुरक्षा स्मार्ट सिटी का मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया गया था। अभी सुरक्षा स्मार्ट सिटी के तो काम तो चालू है करंटली, बट मैं खुद नहीं जा रहा हूँ विजिट करने, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपर के जो प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने उसके पहले माड़ा का इन्होंने ओपन कर दिया है। अभी माड़ा में कैसा है कि बहुत सारे क्यूरी है उसके अंदर, बहुत सारे माड़ा का प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है थोड़ा सा जल्दी होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि रेट कम में दे रहे हैं एंड प्राइसिंग भी अच्छा है उनका। बट क्या है कि बहुत सारे कस्टमर का प्रीव्यू मिला, मतलब आपके तरफ से ही मिला था, जो उधर इंक्वायरी कर रहे थे, इंक्वायरी करने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं ये होगा कि नहीं होगा, ये सही है कि ये गलत है, ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन था। देखिए वहाँ पर जाके सब चीज़ क्लियर करना रहेगा ना, आप जाइए पर्सनली ऑफिस में जाइए, पूरा डिटेल्स पूछिए, जो मेरे को आप पूछते हैं ना वो उनको पूछिए। आप वहाँ पे डरिए मत किसी पे जाके पूछने के लिए, जो मन में है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना, तो सब चीज़ क्लियर करिए बैठे बैठे, भले एक दो दिन का और टाइम लेके सोच के दिमाग में क्या क्वेश्चन है वो पूछिए जाके ऑफिस में जो है। बट काम चालू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, काम चालू है, ये है कि जल्दी हुआ तो आपको पोजीशन मिल जाएगा आगे। बाकी जो बिल्डर के प्रोजेक्ट चालू था तो वो उन्होंने हमने सेलिंग करना स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे वो माड़ा का नहीं करना है, क्योंकि माड़ा का मैं प्रोजेक्ट का मोस्ट ऑफ नहीं करता हूँ। बट आप डायरेक्टली जाइए, क्योंकि वो ऑनलाइन है, उधर ही ऑनलाइन करके लॉटरी सिस्टम है, आपको कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा उधर, क्योंकि मुझे जो प्रॉपर्टी वहाँ पर दिलाना है सुरक्षा में, तो मेरे चॉइस से मैं आपको बताऊँगा ना, मैं गवर्नमेंट के थ्रू से नहीं बताऊंगा। मैं आपको जाना है तो वहाँ पर डायरेक्टली जाइए, क्वेश्चन क्या रहेगा मन में क्या रहेगा, जाने से पहले प्रिपेयर करके जाइए, आपको क्या पूछना है वहाँ पे जाके, वहाँ पे प्रिपेयर करके जाइए, तब जाके पूछिए, देखिए वो आपको क्या क्या आंसर देते हैं, आप सुन लीजिए यहाँ पे, बाद में मुझे कॉल करिए। ओके नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं मीरा रोड पे। मीरा रोड में मेरे पास ऐसे प्रॉपर्टीज है जो बिल्डर का नाम बताओ, नहीं बिल्डर का नाम नहीं बताता हूँ, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा है, बिल्डर जो है ना ब्रांड है, थाने में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं अभी वो, और वो मीरा रोड में बहुत सारे प्रोजेक्ट है मेरे पास, बट लॉन्च करेंगे बताएंगे आपको, तो मैं आपको शेयर करूँगा। नया एक टावर लॉन्च किया गया है, ऑलरेडी बहुत सारे पोजीशन भी हो चुके हुए हैं एंड अंडर कंस्ट्रक्शन भी काम चालू है यहाँ पे, बहुत अच्छा लोकेशन पे है यहाँ पे। प्राइजिंग के में देखा जाएंगे तो वैसे मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बता देता। तो मीरा रोड में भी एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी है, बड़ा आफ्टर प्रोजेक्ट है, और इसमें अभी एक नया टावर लॉन्च किया है, तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, इस पर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए, आप पूरा डिटेल्स आपको बता देंगे। ये आ गया आपका। एंड वेस्टर्न लाइन ऐसे तो बहुत सारे रूपालेल का प्रोजेक्ट है, रूपालेल का तो मुझे ना बहुत सारे बैड फीडबैक मिले, एक तो मुझे तो गाली ही दे रहा था, अरे सर आप क्यों कर रहे हो, मत करिए, वो वैसा है, गंदे गंदे गाली दे रहे थे,
क्या मालूम क्या हो गया था उसके साथ, पता नहीं। बट रूपालेल का वैसे देखा जाएंगे तो कुर्ला में चालू है, बहुत सारे उनके ऐसा रीडेवलपमेंट में चलते हैं। तो रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट रहता है ना, थोड़ा सा टाइमलाइन रहता है जो रेरा के डेट में बहुत ज़्यादा लेके रखते हैं इनका। क्यों? रीज़न कैसा है कि कौन से भी डेवलपर का रीडेवलपमेंट टाइमलाइन बहुत ज़्यादा लेके रखते हैं, क्योंकि रीज़न कैसा है कि जो रीडेवलपमेंट वाले रहते हैं उनको एक बिल्डिंग बना के देना पड़ता है, और जो वहाँ से जो रीडेवलपमेंट में भले वो चौल रहे या पहली बिल्डिंग रही उसको दूसरे जगह उनको रेंट पे देने के लिए उसका हर महीना भाड़ा देना बिल्डर को देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का पहले उनकी बिल्डिंग बनाओ या दोनों सेम पैरेलल बनाओ, उनके भी बनाओ बिल्डर का ही बनाओ। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइमलाइन है ना बहुत डिले हो जाता है। कोई ले लेता 5 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए रेरा डेट में ले लेता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। तो वैसे रूपालेल बिल्डर अच्छे हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे नियर बाय कंप्लीट होने के भी आए हैं। बट यह है कि लोगों का ढीले होने के वजह से आप लोग जो बायर थे ये थे कि बहुत ढीले हो रहा है, इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ चलते थे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँ जो रेरा डेट के हिसाब से ना, रेरा डेट के हिसाब से चलिए, जो रेरा डेट में देखो और जो रेरा डेट रहेगा तो ही आप आगे जाके स्टेप ले सकते हैं यहाँ पे। वैसे रूपालेल का है बहुत सारे प्रोजेक्ट, बाकी वेस्टर्न लाइन है ना मैं थोड़ा सा इसलिए टीम नहीं रखा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसका कॉस्ट इतना बढ़ चुका हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहने के लिए ठीक है, देख सकते हैं ले सकते हैं यहाँ पे। बट वेस्टर्न लाइन में ऐसा एक प्रोजेक्ट है मेरे पास मलाड में, 55 लाख में 1 BHK मिल रहा है, इट इज़ अ कारपेट 375 का, एंड वो है माड़ा का अप्रूवल है, वो लॉटरी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं बिल्डर के थ्रू, ऑनलाइन बुकिंग वाला नहीं है ये, डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। और 2 BHK 80 से 90 लाख तक 2 BHK आ रहा है यहाँ पे, तो 580 के आसपास 575 के आसपास कारपेट आता है 2 BHK, 375 पे कारपेट। इट इज़ अ 22 स्टोरेज का टावर है, ये मालवली लोकेशन में आ जाता है, मालाड में वेस्टर्न में। ये सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जरा डिस्टेंस जो है मालवनी बस डे पे है, वहाँ से वॉकेबल 5 मिनट करके है यहाँ पे। अपकमिंग में कोस्टल रोड भी आने वाले हैं, बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट है, मैं खुद विजिट करके आया था, खुद देख के आया, तो ठीक है अच्छा है, वहाँ पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। क्राउडेड एरिया देखिए आप, फिर पसंद करिए, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं वो प्रॉपर्टी वहाँ पे, तो वो भी एक अच्छा है यहाँ पे। अभी ये सब चीज़ मैं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड में बता दे रहा हूँ। अभी मेरे पास ऐसे जो प्रोजेक्ट है ना चल रहे हैं ना, ऐसे हमारे जो देखा जाएंगे तो बैंगलोर में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी बैंगलोर तो मैं तो जा नहीं सकता हूँ, वहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको लास्ट टाइम एक बताया था कि हम एक प्रॉपर्टीज़ के जो जितने हैं ना हम उनके मेंबर हैं, और वो प्रॉपर्टी बिल्डर है ना हमें प्रॉपर्टी सेल करने लिए देते। तो बैंगलोर में कोई देख रहे हैं ना यहाँ पे, बैंगलोर में प्रॉपर्टीज ऐसे है बहुत सारे कम बजट वाले ब्रांड है, गोदरेज पकड़ लीजिए एंड और 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं बैंगलोर में, क्योंकि बैंगलोर इट इज़ IT हब है। एंड डिस्टेंस देखा जाए तो वहाँ पे प्राइसिंग रेट अभी फिलहाल कम है, जो सिटी के अंदर थोड़ा प्राइसिंग रेट ज़्यादा है, सिटी के बाहर थोड़ा सा प्राइसिंग रेट कम है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी अपने पास अवेलेबल है 35 लाख 40 लाख 1 BHK आ जा रहा है जो सिटी के बाहर है। सिटी के अंदर देख रहे हैं तो 60-65 लाख तक 1 BHK वहाँ पे चल रहा है, जो डिस्टेंस आपको IT सेक्टर है वहाँ पे, तो उसके वजह से प्राइसिंग रेट थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। तो बैंगलोर है अवेलेबल एंड दुबई में पकड़ लीजिए, दुबई में मैं आपको सजेस्ट करूँ, दुबई में ना अपना भारत है, अपने भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सबसे बेस्ट है। दुबई ऐसा है कि जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है बहुत सारा है, इधर भी इन्वेस्ट कर रहा है तो दुबई में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री है। तो दुबई के भी एक ही प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो भी में हमारे जो प्रॉपर्टीज मेंबर्स रहते हैं उनके थ्रू है हमारे पास। इसके अंदर कोई ब्रोकर ब्रिकेज नहीं है, आप डायरेक्टली बिल्डर के थ्रू ही रहेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। एंड दुबई में भी है अपने पास प्रोजेक्ट ऐसे है, वो जो हमारे पूरे टोटल्स प्रॉपर्टीज़ के जो मेंबर्स है हमारे ग्रुप्स में आते रहते हैं, उनके वेबसाइट है, उनके ऐप्स है, उनके थ्रू हम सिर्फ ओनली मेंबर्स जो रहते बनते हैं, हमको मेंबर बनना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट उनके ऐप्स में रहते हैं यहाँ पे। जिधर भी आपको रिक्वायरमेंट है आप जाइए, चाहिए मुझे बैंगलोर चाहिए, पुणे चाहिए, मुंबई चाहिए, ये डेवलपर के पास है, मेरा बजट इतना है, तो आपको मैं ढूंढ के और आपका नाम और नंबर उधर शेयर होगा, और उसके बाद आप उनसे प्रॉपर्टी से डिटेल ले सकते हैं एंड प्राइस मेरे पास भी डिटेल्स है, मैं आपको उसका वेबसाइट भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ बातें हैं यहाँ पे। अभी हम आ जाते हैं मुझे सजेशन देने के लिए, प्रॉपर्टीज़ का तो मैं बताते रहता हूँ, और मैं आपको सजेशन में ये देना चाहता हूँ कि कहीं पर भी आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग्स का आप रेडी है,
मैं कभी है ना मेरे प्रोजेक्ट पे ना मेरे से कोई मिलने का आएगा ना, मैं कभी खुद नहीं बोलता सर आज टोकन दे रहे हैं तो मैं आपको रेट देता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आज ही टोकन दो मैं रेट देता हूँ। मैं पहले रेट देता हूँ, उनको सोचने को देता हूँ, उनकी मर्जी है किधर क्या लेना है यहाँ पे। और रेट कम देने के बाद भी है ना उसके बाद भी सोचते हैं इतना कम रेट क्यों दिया, मतलब मैंने उससे टोकन भी नहीं लिया, रेट भी कम कर दिया और बाद में सोचने लगता है इतना कम रेट दिया बाकी बिल्डर का रेट। अरे भाई उसको मैंने मुझे 5 फ्लैट दिया है बेचने के लिए, तो मैं 5 फ्लैट का रेट कम बेचूंगा ना, बिल्डर को रिक्वायरमेंट है तो मैं बेचूंगा उसमें और रेट भी कम करके दूंगा ना, तो बेनिफिट आपका है किधर नुकसान है आपका। तो कहीं भी आप बुकिंग्स कर रहे हैं ये टोकन का रिलेटेड है ना, जो 11,000 कोई 21,000 ले रहा है आपसे या 51,000 ले रहे हैं यहाँ पे, तो पहले ना आप है ना माइंड सेट करिए। माइंड सेट करने के बाद लेना है कि नहीं लेना है वो पहला क्लियर करिए। 11,000 टोकन दे दिया, 2 दिन के बाद आ गया नहीं मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी कैंसिल करना है, वो 11,000 आपको मिलने के लिए ना 2 महीना लग जाएगा, 3 महीना, 21,000, 51,000 कितने भी पैसे आपने दिया हुआ है उसके पूरे चीज है ना पूरा आपको हाथ पैर दौड़ना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब जाके मांगो उससे। और उसके बुकिंग के करने से पहले तो पहले बैंकर को बैठा के लोन भी क्लियर कराओ सामने वाले का आपका क्या लोन। आप पहले ना जो लोन करते हैं ना मतलब होम लोन करते हैं ना, बहुत लोग छुपाते हैं लोन, होम लोन PL चालू है या फिर कुछ बजाज फाइनेंस से कुछ ऐसे चालू है, कुछ मोबाइल ले लिया है वो लोन कुछ बताते ही नहीं है, और एक प्रॉपर्टी लिया है उसका हाउसिंग लोन चालू वो भी बताते नहीं है। बट जब लोन आप कर रहे हैं, पैसा आपने बिल्डर को दिया हुआ है और मुझे लोन भी करना है, तो लोन चीज में सब क्लियर बताइए। सिविल प्रॉब्लम है वो बताइए, सिविल प्रॉब्लम हुआ है मेरा, बाउंस हुआ है मेरा, क्रेडिट कार्ड का रह गया है, ये सब चीज़ है ना क्लियर करिए। ये सब चीज़ क्लियर होगा ना तो ही उसके बाद आपका लोन बताएगा कन्फर्म मेरा इतना लोन बैठ रहा है, आपको इतना डाउन पेमेंट करना है, उसके बाद ही चेक देना टोकन, नहीं तो नहीं देना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं सच बोलूँ मैं है ना किसी से मांगता भी नहीं प्रॉपर्टीज़ के, प्रॉपर्टी जैसे मतलब मैं रेट दे देता हूँ बट उसको मैं टोकन नहीं लेता हूँ, उसकी मर्जी है वो देगा नहीं तो नहीं देगा, वो मैं क्यों मांगू उससे टोकन। उसको प्रॉपर्टी पसंद है, जब वो मेरे पास टोकन नहीं देता है ना तो मतलब उसको प्रॉपर्टी पसंद नहीं है, समझ जाता हूँ वहाँ पे। रेट भले कितना भी कम कर दूँ, मैं 2500 का भी भाव करूँ, 3000 का करूँ, 3500 का भाव या 5000 का करूँ, कुछ भी करूँ, वो उसको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आया ना तो वो टोकन नहीं देगा यहाँ पे। तो किसी के फोर्स करने से आज ही टोकन दो ये ऑफर है मैं रेट कम करूँगा इसके भाव में मत जाओ। 11,000, 21,000, 51,000 ना वो आपका अटक जाएगा यहाँ पे और रुक जाएगा आपका, मतलब इनकेस कैंसिल करने जाते लोन नहीं हुआ अटक गया, उसमें प्रॉपर्टी पसंद नहीं आया, डिस्कस फैमिली ने बोला बहुत लंबा है मत लो वो भी अटक गया, फिर पैसा मांगने के लिए हमने इधर से प्रॉपर्टी लिया दूसरे प्रॉपर्टी में पसंद आ गया वो भी अटक गया उसके अंदर। तो सब चीज़ क्लियर रहेगा, एक्सप्लोर करिए, देखिए अच्छे से जगह से, लोकेशन देखिए और प्रॉपर्टी देखिए, फिर उसके बाद डिसीजन करिए। और मेरे पास प्रॉपर्टी के पूरे खजाने भरे हुए हैं, मेरे अंदर है ना पूरे खजाने हैं प्रॉपर्टीज़ के, इतने खजाने पड़े हुए हैं ना मैं सोचने लगता हूँ हर रोज़ सोचने लगता नया 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 प्रॉपर्टीज़, नया 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 प्रॉपर्टीज़ क्या है, नया नया करूँ और आपके लिए अच्छे से नया नया दूँ यहाँ पे। ये बात थोड़ा सा ज़रा आप ध्यान रखिए। हम आ जाते हैं अभी नेक्स्ट डेटा। आपका जो डेटा है ना, जो कहीं भी प्रॉपर्टीज़ इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारे इंक्वायरी करते हैं ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स एंड वीडियो भी आजकल ज़्यादा करके वीडियोस देखते हैं, वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे मेरा आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं एंड बाकी प्रॉपर्टीज़ के देखते रहते हैं, इतने में मिल रहा है इतने में मिल रहा है। एक वीडियो मैंने ऐसा देखा था नियर बाय घनसोली 15 मिनट में, घनसोली नाम दिए, अरे नई मुंबई किधर और देख रहा है प्रॉपर्टी शिलफाटा, घनसोली किधर शिलफाटा किधर, क्या ऐड करते हैं समझ में नहीं आता। लोग इसमें क्या करते हैं, लोग इंक्वायरी करते हैं और आपका नाम और नंबर वहाँ पे चले जाता है और वो नाम और नंबर चले जाता, जैसे आपने मुझे इंक्वायरी किया मेरे पास नाम और नंबर आ गया तो मैं स्टोरेज कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा आपका जितना भी रहता है ना, मतलब डेटा मतलब आपका नाम और नंबर ही रहेगा, बाकी अकाउंट बिकाउंट का कुछ नहीं रहता है उसमें, कुछ रिलेटेड नहीं, सिर्फ नाम और नंबर। आपका नाम इंक्वायरी जब कर रहे हैं ना, इंक्वायरी करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, हाँ ये प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स चाहिए मुझे और ये मैं लोकेशन पे देख रहा हूँ, मेरा बजट इतना ही है तो ही मैं इंक्वायरी करूँगा, तो जाके क्लिक करो तो ही कॉल करो उसको,
नहीं तो मत करिए। पहले डिस्क्रिप्शन में देखो वो लोकेशन कहाँ पे है, कोई बोल रहा है कि स्टेशन के पास से इतना स्टेशन है, कोई बोल रहा है ये स्टेशन के घनसोली के पास से है। मुझे बहुत हंसने को आया, बहुत लोग ऐसे ऐड करते हैं, तो मैं बोला क्या बात है, अरे सच बताइए ना, सिलफाटा पे ही है, घनसोली से 15 मिनट क्या बताना है इसमें। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टेशन के पास ये है वो है, वो सब है ना, थोड़ा सा जरा क्लाइंट्स का लीड जनरेट करने के लिए। लीड जनरेशन पता है आपको, लीड जनरेशन जैसे हम भी करते हैं, आपका नाम और नंबर लेते हैं हर एक प्रोजेक्ट का। अब जैसे आपने मुझे पुष्पक नगर के लिए कॉल किया है, थाने के लिए मेरे अलग अलग नंबर थे उस पर कॉल किए, तो वो चीज़ क्लियर है ना, वो चीज़ पे क्लियर करके ना तो ही आप कॉल करिए उनको, तो ही आप जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैंपेन चलता है उसका जो हर एक ऐड आते रहता है, तो आपके बजट में है, आपके इसके अंदर है, इंक्वायरी करना है, तो ही आप नाम और नंबर डालिए उसके अंदर। एक बार नाम और नंबर चले गए ना, आपको 10 बार कॉल करेंगे, सर कभी आ रहे हो शायद, जैसे मैं करता हूँ कभी कभी पर्सनली 10 बार कभी कॉल करता हूँ, इंटरेस्ट रहेगा ना तो ही नाम और नंबर दीजिए उनको, नहीं तो वो इनको आपको इरिटेट कर देंगे सब। अरे सर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो क्या, सर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, सर्च करें, आपने आपका नंबर मिला था, तो कभी कभी क्या बोलता, मैं ऐसे ही देखा हूँ, तो ऐसे ही देखा है तो फिर नाम और नंबर क्यों डालना है आपको, नंबर डालो, इंटरेस्ट रहेगा तो ही डालना, नहीं तो मत डाले, क्योंकि ये बार बार आपको इरिटेट करके ना, एक बार आपने प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू कर दिया तो ये नंबर है ना कम से कम है ना 1000 डेवलपर के पास आपके पास चले जाएगा। एक नंबर नाम और नंबर है ना 1000 डेवलपर के पास चले जाता है, ये थोड़ा सा जरा ध्यान रखिए। जैसे आप मेरे पास आ गए, दूसरे के पास चले गए, उसके पास इंक्वायरी गए, उसके पास 1000 डेवलपर प्लस के पास चले जाता नंबर, फिर वो क्या करते हैं, वो कॉल पे कॉल, फिर बाद में कभी कभी आप इरिटेड होके ना नंबर भी चेंज करना पड़ता है। ऐसे मेरे जो इन्वेस्टर और बायर है कि 10 लोग इतना कॉल करते थे, बोलते मैंने नंबर ही चेंज कर दिया, नंबर ही बंद कर दिया उसे, इतना कॉल आता था। तो ऐसा है तो इंक्वायरी कर रही है ना, तो उससे पहले डिटेल्स लीजिए, बात कर लीजिए, फिर बाद में सीधा बोल दीजिए नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ये पसंद नहीं है और दोबारा मुझे कॉल आना नहीं चाहिए, आपके डेटाबेस से निकाल दो, सीधा सिंपल वर्ड, कॉल आना नहीं चाहिए ये बोलना है आपको जरूरी। जैसे मुझे भी कॉल कर रहे हैं, मैं आपको, आप मुझसे इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ, ये लोकेशन बता रहा हूँ, ये आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें आपको पसंद है तो आगे बढ़िए, विजिट आइए, नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पे ही बोल दीजिए नॉट इंटरेस्टेड, कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए यहाँ पे। और बाद में क्या है, डेटा सब जमा हो जाता है ना जब जगह इंक्वायरी कर करके, और लोग अलग अलग कंपनीज है, डेटा बेचा जाता है, शेयर करते हैं हर एक रियल एस्टेट एजेंट को, डेवलपर्स को, जो कॉलिंग सब जगह डेटा आपको फैलते जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ज़रा नाम और नंबर जाता है, आपका अकाउंट नंबर ये सब कुछ नहीं जाता, क्रेडिट कार्ड नहीं, वो कुछ नहीं, कुछ लिंक बिंक नहीं रहता है, नाम और नंबर आपका जाता है। सिर्फ उसमें में आप में इरिटेड हो जाते हैं तो आप बहुत परेशान होकर बोल देते हैं, अरे यार इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। ये सब चीज़ बातें हैं यहाँ पे संडे प्रॉपर्टीज़ मसाला में आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा हम जोक पे आ जाते हैं। अभी आप सोच रहेंगे जोक क्या है इसमें, अभी जोक ऐसा है कॉलिंग, मैंने कॉल किया, मेरे टीम ने कॉल किया, मेरे मैनेजर ने कॉल किया, बहुत सारे ऐसे कॉलिंग करते हैं। एक जन ने बोल दिया, सर आप साइड विजिट के लिए आ रहे हैं क्या? हाँ मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मैं कल आऊँगा। ठीक है, कल का पोस्टपोन्ड हुआ है। क्लाइंट कस्टमर जो बायर है, आप लोग है, विजिट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, विजिट की आए हुए हैं लोकेशन पे, घूम रहे हैं और मुझे बोल दिया कल आ रहे हैं, मेरे मैनेजर को बोल दिया परसों आ रहे हैं, उसको बोल दिया है कि मैं आया हूँ आपको फ़ोन करता हूँ। मतलब कितना अलग 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 चीज़ करके बताए। देखिए कहीं भी विजिट हो रहे हैं ना, आप बताइए सच, जो फ़ोन कर रहा है बंदा उसको सच बताइए कि मैं और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपका बाद में देखता हूँ आके, ऐसा बोलिए, घुमाइए मत, ऐसा गोल 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 घुमाते रहते हैं। आज ऐसी मैं हफ्ते भर से मैं भी पर्सनली कॉल करता हूँ बैठ के ना, 100-100, 200-200 कॉल करता हूँ एक दिन में, इतने कॉल्स मेरे जाते हैं ना, खुद मैं पर्सनली बात करता हूँ लोगों का, मैं सुनना चाहता हूँ लोग कैसे क्या बोलते हैं, मैं हर एक चीज़ पे पॉइंट पकड़ता हूँ, वो क्वेश्चन मुझे जब करता है ना वो क्वेश्चन का नोट डाउन करता हूँ। क्यों मैं बचने लिया, मेरे मैनेजर है, मेरी टीम है, मेरी कॉलिंग टीम है, वो लोग भी कॉल कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली कभी कभी कॉल करता हूँ। पर्सनली इसलिए कॉल करता हूँ क्योंकि आपका जो थिंकिंग, अभी 100-200 लोग है, उनको मैं 200 जन को एक दिन में कॉल किया, तो सबके माइंड अलग अलग रहते हैं,
और उसमें से मैं चुरा लेता, जिसके जो बोलता है ना वैसे बोलते बोलते मैं सब चीज चुरा लेते हैं। चुराना मतलब क्या, उसकी जो माइंड स्ट्रेटेजी है मैं समझ लेता हूँ, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए यहाँ पे, और उसका बजट कितना है, वो कितना लोन, मे बी लोन भी पूछ लेता हूँ, आप डाउन पेमेंट कितना करना चाहते हैं, ये सब चीज़ मैं फ़ोन पे ही पूछ लेता हूँ, तभी मैं वो चीज़ का प्रॉपर्टीज़ उनको दिखाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे है, जोक ऐसा है कि क्लाइंट घूम रहा है, मतलब कस्टमर हमारे घूम रहे हैं पुष्पक नगर में, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग सबको बता रहे हैं यहाँ पे। एक बार ऐसे हुआ, मेरे पास मेरे सामने क्लाइंट बैठे हैं और वो डायरेक्टली, मैं थोड़ा सा दूसरे मीटिंग में था और मीटिंग से होके मैं डायरेक्ट उधर ही आया, उधर बैठे मेरे मैनेजर ने फ़ोन किया, सर आप आ रहे हो ना, मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। मैं हूँ, नहीं मैं अभी घर पे जा रहा हूँ। वो उधर बैठा है मेरे सामने ऑफिस में बैठा है, मेरा मैनेजर बाहर से फ़ोन कर रहा है, उसको वहाँ पे खड़े खड़े झूठ बोल रहा है, नहीं मैं ऑफ घर पे जा रहा हूँ, मैं कल अगले हफ्ते आता हूँ। वहाँ पे क्यों बैठे हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए डिटेल्स बैठे हैं, सब डिटेल्स ले रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को मतलब मेरे जो मैनेजर ने फ़ोन किया बोलते नहीं वो घर पे जा रहे हैं। मैं बोला ठीक है, बोला जाने दो उनको, अभी वो मेरे सामने बैठे हैं, मैं क्या बोलूँ उनको, मेरे सामने बैठे, जैसी आपकी मर्जी है ना वैसा करिए, बट है ना किसी को ना घुमाइए मत, ऐसा गोल 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 घुमाना रहेगा ना तो कैसा है कि अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो क्या करता है कि जैसे कैसे रहता मानो मैं, कोई दूसरा डेवलपर है उसमें सेल्स मैनेजर है और आप उसको घुमा रहे हैं ना, वो आपको घुमा देगा, उसका काम यही रहता है, वो आपको घुमा देगा, सर ये इधर है, इतना इन्वेस्टमेंट इतना है, ये करो वो करो डाल दो, वो सजेशन नहीं देगा फिर बाद में आपको। सच बात है, सच बताइए, नहीं आना है नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट वीक आइए और नेक्स्ट वीक आइए, जैसे आपको टाइम मिला आइए, और आने से पहले फ़ोन करिए सर हम आ रहे हैं, तो वैसे हम प्रिपरेशन होते हैं। अभी रिसेंटली कल की बात है, कल मतलब सैटरडे की बात है, सुबह सुबह मुझे कॉल आया 8:30-9 बजे के समथिंग, सर आपका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था पुष्पक नगर के बारे में, सो मैं आ रहा हूँ साइड विजिट के लिए, मुझे आज ही बुकिंग करना है, मेरे पास 50% डाउन पेमेंट है। मैं बोला ठीक है, डेवलपर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह मैं ऐसे घाई में निकला, फुल घाई में निकला, बाथरूम में ही गिर गया, मेरा ये हाथ है ना इधर का स्लिप हो गया यहाँ पे, वापस अभी बैठ गया थोड़ा ठीक है, बट पूरा ड्राइविंग करने के लिए इतना दुख रहा था ना, बहुत पेन हो रहा, बाथरूम में ही मैं स्लिप हो गया, गिर ही गया नीचे, इतना घाई से मेरे को निकलना पड़ा था, क्योंकि मेरे को थाना से लेके वहाँ तक जाने के लिए ट्रैफिक रहेगा तो 2 घंटा लग जाता है यहाँ पे। अभी उसको मेरे को पर्सनली अटेंड करना था, उसने मुझे पर्सनली बोला सर आप आइए मैं रहूँगा, और मैं घाई घाई में, मेरा हाथ दुख रहा था, मैंने बाम लगाया, ये लगाया, स्प्रे किया थोड़ा, ये कॉम्बी फ्लेम गोली खाया पेन किलर का, वो खा के कैसे भी करके मैं निकला घाई घाई में वहाँ पे। निकलने के बाद वहाँ पे मैं पूछा ऑफिस में, सर कितना बजे आ रहे हो, हाँ आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ। आखिरकार वो आया ही नहीं, कस्टमर आया ही नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया, बोला सर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो बोलता नहीं मैं आ रहा हूँ, रुकिए ना अब मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोले। फिर बाद में फ़ोन उठाना बंद, अरे बाद में फ़ोन उठाना बंद, सच बताइए ना, आप किधर दूसरे डेवलपर के पास बैठे हैं या कुछ दूसरी इंक्वायरी कर रही है, बताइए। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं बोला सर आप आ रहे कि नहीं आ रहे, कि मुझे भी मीटिंग है, मेरी दूसरी भी मीटिंग है, मेरे को दूसरा भी काम है, तो मैं पर्सनली आपके लिए अटेंड हूँ इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने मैसेज क्या कर दिया, बोलता कि मैंने बुकिंग कर दिया है दूसरे जगह, टोकन दे दिया है। तो बोला कौन से डेवलपर के पास थी, बोला ये 100 डेवलपर से पास किया है बुकिंग। बोले ठीक है, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। फ़ोन वैसे मैंने मैसेज किया, रख दिया उनको। तो उनको मैंने बोला सर आपको जो ऑफ़र मिला है ना, उससे मेरे पास बेटर ऑफ़र है, उससे बेटर ऑफ़र है, आपको जब भी टाइम मिलेगा ना एक बार आके मिल के जाइए, मैं आपसे से चीज़ सब क्लियर रहेगा, लेना है नहीं लेना वो आपका काम है। मतलब मेरे को इतना घाई में निकलना पड़ा, मैं स्लिप होकर बाथरूम में गिर गया। बोलो कभी कभी ऐसे मेरे को निकलना पड़ता है घाई में, फ़ोन आया तुरंत सर आपको मिलना है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यार, उधर पहुँचने के बाद कुछ मिलता ही नहीं मेरे को, समझ में नहीं आता क्यों। और जब ये फ़ोन पर ऐसे ऐसे बात करेंगे, सर आपका वीडियो बहुत अच्छा देखा मैंने, अच्छा लगा, मैं चढ़ गया चने के झाड़ पे, सच चीज़ बता दूँ उसको, अभी क्या सच है क्या बुरा है क्या अच्छा है सब कुछ बता दूँ उनको, सब चीज़ बताना पड़ता है।
जिसने मेरे को बोल दिया, यूट्यूब के जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और जो व्यूअर्स और फोन मेरे को पर्सनली करते ना, उससे मेरा रिलेशन फैमिली जैसा है, फैमिली जैसा है। मैं फैमिली के तरह से मैं उनको बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी मत लो, ये प्रॉपर्टी लीजिए, ये मेरे रिश्ते हैं। आप जो जितने भी है ना मेरे सब्सक्राइबर है, ये मेरे फैमिली है। 15,000 लोग मेरे फैमिली है इसमें, 15,000, सिर्फ 15,000 ही है, और बहुत सारे जुड़ने वाले हैं मेरी फैमिली में। तो ये मेरे फैमिली है, तो फैमिली की तरह से मैं बिहेवियर करता हूँ, उसकी तरह से ही मैं बताया जाता हूँ सर। उसके अलावा है ना मैं कुछ नहीं बताता हूँ यहाँ पे, जो सच है वही है। क्योंकि हर एक मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो व्यूअर्स है, वो देखते हैं, वो मेरे फैमिली है। वो पर्सनली मुझे कॉल करते हैं ना, तो मैं उनका फैमिली मेंबर हो जाता है। ओ आप मेरे फैमिली मेंबर है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली को मैं अच्छा प्रॉपर्टी दिलाऊंगा, किसी किधर चीज़ पे बुरा फंसाने की चीज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, कौन से भी जर। बट क्लियर है तो ही करना है, क्लियर नहीं है तो नहीं करना है आपको। तो ये सब चीज़ डिटेल्स है, ये सब चीज़ बातें है, ये पूरे हफ्ते की बातें चलती रहती है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे विजिट भी हुए और लोगों ने गिन चुन के बुकिंग भी किए है। अभी फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल चल रहा है गणपति बप्पा का, और इसमें आज मौका उठाइए कि अच्छा है, तब तक फैमिली साथ में है, उसके बाद गणपति के बाद आइए, या गणपति के शुभ मौका है, आपको अच्छा लग रहा है, दिन अच्छा है, तो बुकिंग करिए, अंदर से कॉल करिए सबको अलग अलग लोकेशन। बस इतना ही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया, कुछ बुरा लगा होगा तो सॉरी, क्योंकि फैमिली को बुरा तो नहीं लगता है कुछ भी चीज़ बोले तो। जो बोलता है मन की बात बोलते, जैसे पापा मम्मी को बोल दिया या वाइफ को बोल दिया कि मन में कुछ बात है, तो सब चीज क्लियर कर दो, फैमिली है, क्लियर कर दिया। बहन को कर दिया, जैसे आप मेरे यूट्यूब से देखते हैं, बहन लोग हैं बहुत, लोग मैम लोग हैं, बहन जैसे ही है, तो उनको मैंने बता दिया, क्लियर बात हो गई। बहन भाई पापा मम्मा काका नानी नाना, ये सब मेरे आपके फैमिली है, जो मेरे से जुड़े हुए वो मेरे फैमिली है आप, बस। बाकी मैं कहीं पर भी झूठ और बातें सब चीज़ क्रिएट नहीं करता हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसे है कि बिल्डर जब प्रेशर करता है, थोड़ा सा बिल्डर तो झूठ बोलेगा ही, बट मैं सच बोलूँगा आपके लिए, कौन क्या कैसा है, सब चीज़ क्लियर है। आप आइए, विजिट करिए, देखिए, और बस इतना वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए मुझे। आपके सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और पहुँचना है मेरे को ऊपर, और पहुँचना है, सपोर्ट करिए, बस सपोर्ट चाहिए आपका। बस इतना वीडियो मैंने शेयर कर दिया, बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।